हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज फिर से एक अच्छी न्यूज के साथ आप लोगों के बीच हाजिर है। चार धाम यात्रा पर ई पास को लेकर जो परेशानी का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, वो जल्द ही ई पास की जो परेशानी है वो जल्द सोल्व हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी आपको सबसे पहले चैनल पर मिल जाएगी और आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर या कॉल पर जानकारी ले सकते हैं। हमारा यही प्रयास है कि आपको सही जानकारी दी जाए जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ, कुछ चैनल वाले अपने चैनल पर वीडियो में चार धाम यात्रा से जुड़े जो लोग हैं, जो यात्रा करना चाहते हैं, जिन लोगों के पास नहीं बने हैं, उन लोगों को वो मेंबरशिप ऐड करने को कह रहे हैं और मेंबरशिप ऐड करने के नाम पर पैसे ऐड रहे हैं और साथ ही साथ अपने द्वारा बनाए ग्रुप में जोड़ने की बात भी कर रहे हैं। आप लोग किसी का नंबर पाने के लिए नाम मात्र पर पैसे मत दें। यात्रा पर जो भी अपडेट आएगी वो सभी लोगों के लिए आएगी। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, कमेंट करके किसी भी तरह जानकारी ले सकते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एक अच्छी न्यूज वीडियो में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारी टीम उत्तराखंड टूरिज्म ट्रेवल्स और चारधाम यात्रा से जुड़े सभी मेंबर्स ने आज भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश उनियाल जी से मुलाकात की और दिनेश उनियाल जी के सामने मीटिंग में चारधाम यात्रा को लेकर आ रही ई पास की जो समस्या है उसके बारे में बताया और साथ ही साथ उनको बताया कि चारधाम यात्रा ई पास के स्लॉट सभी बुक है और ई पास में फर्जीवाड़े और दर्शन करने के लिए जो लिमिट है उसके हिसाब से भी आधे से कम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा ई पास में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी को कहा गया है या फिर ई पास का जो नियम है इसको ख़त्म कर सरकार सभी को दर्शन करने की अनुमति दे। इसको लेकर दोस्तों दिनेश उनियाल जी ने 2 दिन का समय लिया है और आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द ई पास की समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्तों, कल या परसों या आने वाले दिनों में जल्द ही ई पास को लेकर जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, ये बात दिनेश उनियाल जी ने जो जिला अध्यक्ष है भाजपा के उनकी तरफ से कही गई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी भाई जिनका ई पास नहीं बना है वो भाई जब तक के ई पास स्लॉट बढ़ाए या ई पास का जो नियम है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के आप लोग किसी भी तरह यात्रा पर मत जाए, क्योंकि भाई सबसे पहले ई पास की पूछताछ हो रही है, सबसे पहले जो चेकिंग हो रही है वो ई पास को लेकर ही हो रही है। हमारे द्वारा यात्री जा रहे हैं जिनके हमने ई पास स्लॉट बुक कर लिए थे पहले ही और हमारे ड्राइवर द्वारा यही बताया गया है कि चेकिंग बहुत हो रही है, इसलिए आप लोग जब तक के ई पास नहीं बढ़ते या आपका ई पास नहीं बनता तब तक यात्रा पर ना जाए, वरना आपको जाने नहीं दिया जाएगा जिससे आप लोगों को परेशानी होगी। अगर कुछ भी दूसरा तरीका होगा यात्रा करने का तो हम आप लोगों को जरूर यात्रा पर भेजेंगे और आप लोगों को जरूर दर्शन कराएंगे। जब तक के कोई सोल्यूशन नहीं निकल जाता आप लोग यात्रा से बचें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और किसी भी धाम के दर्शन करने के लिए आप लोग हमसे संपर्क करें।